हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑन द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यार बेस्ट टाइम क्या है टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने का, ताकि आप लोगों को इस टिकटॉक पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलें, टिकटॉक पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स मिलें, टिकटॉक पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये रहा मेरा टिकटॉक अकाउंट और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। और ये जो फॉलोअर्स मैंने करे हैं, मेरे को इसमें लगा है लगभग 4 से 5 दिन। मेरे को मतलब मेरा पुराना अकाउंट मैंने डिलीट कर दिया था बिकॉज मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता था, तो मैंने नया अकाउंट बनाया और उस पर मेरे 4 या 5 दिन में इतने फॉलोअर्स हो गए। तो देखो अब 4 या 5 दिन में मेरे को ये चीज़ें तो समझ आ गई कि भाई ये टाइम बेस्ट है टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने का। तो पर रिसेंटली मैंने कुछ टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने अपने अकाउंट पर एक वीडियो भी डाली, उन्होंने ये डाला कि जब हम पहले रात में वीडियो अपलोड करते थे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स और फॉलोअर्स मिल रहे थे, लेकिन जब अब हम लोग दिन में वीडियो डाल रहे हैं तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, व्यूज़ और फॉलोअर्स मिल रहे हैं। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जब अब रात में अपलोड कर रहे हैं वीडियोस तो हम लोगों को ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो सभी का कहना अलग अलग है और सभी का कहना सही भी है। अब उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जब भी जो ये लोग बता रहे हैं, ये जो लोग वीडियोस इस टाइप के बनाते हैं, तो इनकी जो वीडियोस जिस टाइप के बनाते हैं सबकी कैटेगरी अलग अलग है। कोई कॉमेडी वीडियोस बना रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन की बना रहा है, कोई फोटोग्राफी बना रहा है, इस टाइप की है। तो मैं आप लोगों को सही टाइम बताऊंगा कि अगर आप लोग जिस टाइप की वीडियोस बनाते हैं उस टाइप की वीडियो के लिए क्या सही टाइम है। तो अगर आप लोग देखो इन्फॉर्मेशन टाइप की वीडियो बनाते हो जैसे मैं बनाता हूं, तो आप लोग एटलीस्ट 4 वीडियोस तो रेगुलर डालते ही होंगे। तो 4 वीडियोस आप लोगों को किस रूटीन में डालनी है। और अगर आप लोग कोई दूसरी कैटेगरी के भी हैं, मतलब कॉमेडी वगैरह भी बनाते हैं, तो भी अगर आप लोग 4 वीडियोस डाल रहे हो तो आप लोगों को इस टाइम पर डालनी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहला टाइम होता है गाइस कि सुबह 10 या 11 के बीच में एक वीडियो अपलोड कर दो या पोस्ट कर दो टिकटॉक पर। ठीक है, दूसरी वीडियो आप लोगों को करनी है 3 या 4 के बीच में अपलोड। ठीक है, और तीसरी वीडियो करनी है 5 या 6 बजे के आसपास कर देनी है अपलोड, और चौथी वीडियो करनी है आपको 7 से 8 बजे के आसपास। ठीक है, तो ये 4 टाइम होते हैं। और ये जो लास्ट की 2 वीडियोस हैं, मतलब ये 5 और 6 और 7 और 8, इन दोनों के बीच में जो आप लोग वीडियो पोस्ट या अपलोड कर रहे हैं टिकटॉक पे, ये आपकी सबसे बेस्ट वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब लोग फ्री होते हैं। मतलब लोग कोई ऑफिस से फ्री होता है, कोई कोचिंग से फ्री होता है, कोई लोग कॉलेज से फ्री होते हैं, स्कूल से होते हैं, तो सब लोग फ्री हो जाते हैं 5 बजे आके। सब लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली बात है इस टाइम पे लोग टिकटॉक यूज करते हैं। तो आप लोग अगर इस टाइम वीडियोस डाल रहे हैं ना, तो ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। और दूसरी बात, अगर आप लोग जो इंफॉर्मेशन टाइप के डाल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भाई हर टाइम बेस्ट है, क्योंकि हर कोई जब भी टिकटॉक चलाता है तो इंफॉर्मेशन तो सभी वो कर लेते हैं, लेकिन शाम को जो टिकटॉक में ये जो कॉमेडी और इस टाइप की वीडियोस होती हैं, ज्यादा से ज्यादा वायरल होने के चांस शाम को होते हैं। जितनी भी वीडियोस आपने नोटिस करा होगी, आपकी 1-2 वीडियो चली होंगी टिकटॉक पे, वो शाम टाइम ही चली होंगी। तो देखा जाए तो 5 और 6 और 7 और 8, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने का। इस टाइम पे आप लोग अपलोड करके देखना, आप लोगों को अच्छे खासे व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे। तो यही एक टाइम है मेरे हिसाब से सबसे अच्छी वीडियो डालने का, मेरे खुद के हिसाब से। भाई ये किसी का ओपिनियन नहीं है, मैंने ट्राई करा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग इस टाइम पे वीडियो अपलोड करके देखेगा। और अभी तक मुझे टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है, तो भाई जल्दी से जाकर मुझे टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। और फ्यूचर में ऐसी और मस्त मस्त वीडियोस देखना चाहते हो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और भी सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक ले स्टे ट्यून विद आपका अपना चैनल मनीष फॉर यू।